हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडू जैम लाइव क्लासेस. तो आज का अपना द हिंदू का जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो अपने स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट अपना आर्टिकल है वो जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मीटिंग होने वाली थी, जो इनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं. ठीक है, कौन कौन से हैं? जैसे इंडिया के तो कौन है, इंडिया की जो सुषमा स्वराज हैं, और जो ये पाकिस्तान के कौन है, पाकिस्तान के हैं ये नकवी साहब हैं. तो ये इनके बीच में मीटिंग होने वाली थी यूएस के अंदर. ठीक है, और ये मीटिंग किस बारे में होने वाली थी? जितने भी आगे अपन कोई भी जैसे वर्क होता है तो उसको पीसफुली करने के लिए इनके बीच में और एक मीटिंग होने वाली थी. ठीक है, लेकिन फिलहाल जो मीटिंग है आपको पता है सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही उसको क्या कर दिया, उसको इंडिया ने कर दिया कि कॉल ऑफ कर दिया, पुट ऑफ कर दिया कि हम इसमें भाग नहीं ले रहे. ठीक है, तो जो अपने राइटर हैं मुर्तजा सोलंगी, ठीक है, इन्होंने बताया है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी इंडिया ने मिस कर दी है या फिर इल टाइमिंग. इल टाइम जैसे ऊपर दिख रहा है आपको, इल टाइमिंग मतलब कि क्या बुरा वक्त चल रहा है या फिर अपने जो अपॉर्चुनिटी ऐसी मिस कर दी. क्योंकि अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आप यदि मीटिंग करते हो, यदि एक एक मेज़ पे, एक टेबल पे बैठ के आप कोई बात करते हैं, मतलब फेस टू फेस बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है. जैसे कि आपको पता है कि जितने भी ट्राइफल्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि बहुत ग्रोइंग है, मतलब कि आए दिन आपको पता है बॉर्डर के ऊपर मतलब पाकिस्तान रेंजर्स हैं गोलाबारी करते रहते हैं. हाँ, ये बात है कि इंडिया काफ़ी पेशेंट है, इतना भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल सीज फायर का उल्लंघन करते हुए मतलब LOC के आर पार किधर भी गोले दाग देता है. ठीक है, तो इससे अपने जो कितने जवान मारे जाते हैं, कितना अपने को जान माल की नुकसान होता है, तो उसका अपन काउंटिंग करना भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. तो ऑब्वियसली बात है कि यदि वो किसी एक मंच पर आते दोनों तो कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलता. लेकिन राइटर बता रहे हैं कि जो इनकी जो टॉक होने वाली थी सिर्फ 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो गई. ठीक है, और अब ये बातें क्यों हैं? क्योंकि जो इमरान खान है, इमरान खान कौन है? पाकिस्तान के नए जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं वो इमरान खान, जो ये पहले पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं. इनकी जो पार्टी है PTI, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर. आप याद रखें कौन सी पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ PTI. ठीक है, तो ये इमरान खान की पार्टी है. तो उन्होंने मतलब कि जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे उन्होंने बैठे, ओथ लिया, शपथ लिया, तो उसके बाद में ही उन्होंने बताया कि एक स्टेटमेंट आया था कि इफ़ इंडिया मूव्स वन स्टेप वी विल मूव टू स्टेप, कि इंडिया यदि एक कदम आगे बढ़ाता है तो हम दो कदम आगे बढ़ाएंगे. मतलब क्या था कि यदि इंडिया कोई पहल करता है किसी पीस की, कोई शांति के लिए, कोई अच्छे काम के लिए, तो हम उसके लिए दो कदम बढ़ाएंगे, मतलब हम उसके लिए तैयार रहेंगे बिल्कुल करने के लिए. ठीक है, तो ये जितने भी स्टेटमेंट आए थे वो इसी के रिगार्डिंग थे कि कोई कोई बैठक होगी. और बैठक क्या है कि जैसे US है, तो US भी सोच रहा था कि बढ़िया है ये दिन दोनों जो कंट्रीज़ हैं ऐसा कि जो बढ़िया ऐसा कि जो अच्छी कंट्रीज़ के अंदर आती हैं उनके बीच में यदि सुलह हो जाती है तो सारे मतलब ग्लोबलाइज फ़ायदा ही फायदा है. ठीक है, तो US भी इसके कारण बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक था. ठीक है, और होपफुल ये हो जानी चाहिए थी और US के अंदर ही हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया. क्योंकि वहाँ पे जो अभी 3 सैनिकों को उनके घर से निकाल के और उनको मार दिया गया, उससे पहले 2-3 दिन पहले ही एक रेंजर को पाकिस्तान रेंजरों ने क्या किया, मतलब कि इतना टॉर्चर किया उसकी बॉडी को, मतलब कि हैवानियत से भी मतलब कि हीनियस क्राइम बोलते हैं जिसको, जघन्य अपराध बोल सकते हैं. ऐसा तो मतलब कोई इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है उन लोगों के अंदर. तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया की जितने जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इस जो मीटिंग है इसको बायकॉट कर दिया और रीज़न इसका यही दिया. लेकिन फिर भी जो अपने राइटर हैं वो यही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या पता कुछ हो जाता. इसमें जैसे टैगलाइन क्या लिखी हुई है, द एक्रीमोनी ओवर द प्रपोज्ड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हैज़ सेट बैक इंडिया पाकिस्तान टाइज. मतलब क्या, जो मीटिंग होने वाली थी वो क्या हो गया, वो कॉल ऑफ हो गई, स्थगित हो गई, और जो इंडिया पाकिस्तान के जो टाइज हैं, जो संबंध हैं, उनको पीछे ही धकेलेगी. क्या है कि यदि हो जाती तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता चीज़ों का. ठीक है, तो मतलब कि पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ पार्टी है तो वो पाकिस्तान में फिलहाल रूल कर रही है. ठीक है, एंड जो इसके अंदर एक आया है कि जो अभी थोड़े दिन पहले अभी जो इमरान खान है उनका स्टेटमेंट क्या आया है, ये हिंदी में जैसे हिंदी में लिखा उन्होंने कि मोदी का यार गदार फ्रेंड इज ए ट्रेटर, मतलब कि जो मोदी का फ्रेंड है वो ट्रेटर है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था. तो पहले जो है वो इंडिया के नाम पे, मोदी के नाम पे वोट मांग रहे थे और अभी इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. ठीक है, हाँ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मीटिंग कॉल ऑफ कर दी, लेकिन क्योंकि उसका 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 रीज़न नहीं देख रहे हो कि क्यों करी इंडिया ने ऐसा. अपने आर्मी को समझाओ, अपने आर्मी के नीचे मतलब के मत रहो. पाकिस्तान में ऐसा ही होता आया है कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो जो पाकिस्तान की आर्मी होती है उसी के अंडर चलती है, उसी का कहा मानती है, और कुछ अच्छा नहीं होता.
पाकिस्तान धीरे धीरे डेमोक्रेटिक से क्या बन जाएगा, एरिस्टोक्रेट बन सकता है, और ये जो ऑटोक्रेट होते हैं सारे एनार्की चलाते हैं, एनार्की फैलाते हैं, उन पे बन सकता है। तो राइटर ने यही कहा है कि क्या पता यदि कुछ होता, मीटिंग होती तो कुछ ना कुछ अपने को सोल्यूशन ही मिलता। ठीक है, तो जो कुरैशी है, मिस्टर कुरैशी क्या है, मिस्टर कुरैशी जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनके जो मीटिंग कॉल ऑफ हो गई इसके लिए डिसअपॉइंटमेंट दिखाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब एक्सेप्ट कर ली बात को, ठीक है जो भी हुआ, उन्होंने कुछ काउंटर अटैक नहीं किया। ठीक है, और बाकी जितना भी है वो तो ठीक। तो ये क्या हो गया, ये आर्टिकल हो गया। तो इसमें जो सोल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही था कि मीटिंग होती तो अच्छा रहता, लेकिन इंडिया का भी अपना पक्ष रखना बिल्कुल सही है कि जो आर्मी है पाकिस्तान की वो यदि गवर्नमेंट के नीचे नहीं है तो फिर क्या मतलब बात करने का। यदि आर्मी टॉप होती है, अभी गवर्नमेंट टॉप करो ना, गवर्नमेंट होनी चाहिए ऊपर। तो ठीक है, तो अपना आर्टिकल था। हाँ, एक बात और, जैसे अभी सिद्धू हैं अपने, नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, अभी फिलहाल शायद MP हैं फ्रॉम कांग्रेस। ठीक है, पहले वो भाजपा की तरफ से थे, अब कांग्रेस की तरफ से हैं। ठीक है, तो वो जैसे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान, उनकी जो ओथ सेरेमनी थी यानी कि जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें सिद्धू सिद्धू चले गए। ठीक है, तो बहुत क्रिटिसाइज़ भी हुए, बहुत ट्रोल भी हुए। ठीक है, और यह हवाला दिया गया कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और इनसे रिश्ते बढ़ेंगे, पता नहीं क्या था, लेकिन वो वहाँ पर गए। तो इनके बारे में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी जनरेट हुई कि वो वहाँ पर क्यों गए। ठीक है, तो अब जो ये हो रहा है, तो अभी इसमें यही कहा जा सकता है कि देर इज़ समथिंग मिसिंग इन रिलेशंस इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। आप मतलब कि कोई एक आ जाता है फिर दूसरा नहीं आता, उधर से आता है तो वो नहीं आता, तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, और अपने को प्रॉपर वे में इसको आगे ध्यान में रखकर इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये अपना आर्टिकल था कि अपॉर्चुनिटी साइड मिस हो गई है और अपना टाइम ही ख़राब चल रहा है। इल टाइमिंग का मतलब क्या, मतलब ये नहीं कि इल का मतलब बीमार हो गया, इल टाइमिंग मतलब टाइम ख़राब चलना। ठीक है, तो ये अपना आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल द पावर ऑफ ए नज। ठीक है, ये थोड़ा इनसाइट आर्टिकल है, आपके जो अंदर की भावनाएं होती हैं उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो राइटर हैं अर्चना व्यास, मिस अर्चना व्यास, उन्होंने बताया है कि आपके जो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी किसी के अंदर भी काम करते हैं, कोई भी आप यदि कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आपकी जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसके अंदर आपका जो आपके बिहेवियर का जो इनसाइट होता है, आप अंदर क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही आपको हेल्पफुल, आपके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, कैसे कि मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने जो आप अंदर के आइडियाज़ हैं उनको यदि आप उसके अंदर डालते हैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है कि लोगों को पसंद भी आएगा। आप किसी को कॉपी ना करें, आप उसको चलते चलता नहीं देखें, हाँ जो लोग सोचते हैं उनको ही कॉपी करें, तो फिर आपके अंदर जो आइडियाज़ होंगे उनको आप प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपकी जो एक फ़िलोसफी कह सकते हैं इसको, ये फ़िलोसफी US, UK, द UK, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर तो काफ़ी मतलब कि प्रोमिनेंट है, काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ पर, कि लोग है ना अपने मतलब कि अंदर की जो इनसाइट, जो इंट्यूशन होता है, एक परसेप्शन होता है हर चीज़ के बारे में, उसको आप आगे लाते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको राइट करते हैं, उसको फिर आगे एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसी के अंदर ही आप अपना पूरा सब कुछ लगा देते हैं। जैसे इसके अंदर क्या है कि वो स्टडी किस चीज़ की करते हैं, वो स्टडी करते हैं सोशलिटी की, यानी कि सामाजिकता, समाज में कैसे लोग रहते हैं, सोसाइटी कैसे वर्क करती है। ठीक है, और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब कि जैसे ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कैसा वर्क करता है, जैसे अब साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आपका जो मेंटल बिहेवियर है, मेंटल बिहेवियर वो कैसा है। ठीक है, आप साइकिक हो गए नहीं हो, आप अच्छे वे में सोचते हो, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी ठीक है या नहीं है, मतलब सोचने का तरीका इज ए काइंड ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, और नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, जैसे मैं आपको जैसे लास्ट में वर्ड इंक्लूड करता हूँ वोकेबुलरी के अंदर, उसमें भी मैं आपको वर्ड बताता हूँ, तो ये वर्ड यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है। देखो, एंथ्रोपोस वर्ड होता है ना, एंथ्रोपोस ये आपका रूट वर्ड है इस वर्ड के अंदर, और लॉजी आपको पता है किसके लिए आता है, लॉजी आता है स्टडी के लिए। ठीक है, तो एंथ्रोपोस यदि रूट वर्ड है उसका मतलब होता है मैनकाइंड, मतलब कि मानव, मानव जितने मानव की ह्यूमन रेसेज हैं जितने भी, तो उनकी स्टडी करना। पहले तो क्या था, सोशलिटी था यानी समाज का अध्ययन करना, दूसरा था साइकोलॉजी यानी मेंटल बिहेवियर का, तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी यानी मानवता का अध्ययन करना कि मानवता क्या सोचती है, कैसे काम करना चाहती है एक सोसाइटी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, और ये किस लिए होता है, ये सब किस लिए होता है, ये सब होता है स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को, यानी कि मानव के जो आचरण है उसका जो आचरण है वो कैसे सोचता है, उसको स्टडी करने के लिए सारे ये फंडे अपनाए जाते हैं। जो कि ये जो आर्टिकल है बेसिकली क्या है, बेसिकली तो ये मतलब थोड़ा डेफ में है, फिलोसफिकल रिलेटेड आर्टिकल है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, और अब क्या है कि आगे मैं लाइन लिखी है, इंडिविजुअल्स हैव सम कॉग्निटिव इंसाइट्स, ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, अब
ऐसा क्यों? क्योंकि आप इंडिविजुअल स्टडी क्यों करो? व्हाट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द रीडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स? बिकॉज इंडिविजुअल्स के पास क्या होता है, आपके पास कॉग्निटिव इंसाइट्स। देखो कॉग्निटिव एक फिर से वर्ड है, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, मैंने बाद में इंक्लूड नहीं किया इसको। कॉग्निटिव का मतलब होता है जहाँ पर भी आपको ये वर्ड दिखाई दे, COGNOS, कॉग्नोस। कॉग्नोस का मतलब होता है कि आपको अंदर का आपका ज्ञान कितना है, मतलब एक तरह से आपको बोध कितना है, आपकी स्किल कितनी है। तो कॉग्निटिव इंसाइट का, इंसाइट का मतलब होता है अंदर की भावनाएं, अंदर के विचार, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव इंसाइट क्या हो गया, कॉग्निटिव इंसाइट हो गया कि आपके इंडिविजुअल लोग होते हैं, उनके अलग अलग क्या होते हैं, उनके विचार होते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स सेट होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का, मतलब बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बहुत सारे आप पॉइंट्स कर सकते हो, बहुत सारे आप पैरामीटर सेट कर सकते हो। तो इंडिविजुअल को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो ये अपना आर्टिकल था, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल था लेकिन समझने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट आर्टिकल है लॉन्ग रोड अहेड, मतलब कि बहुत रास्ता भी तय करना बाकी है, मतलब रोड की बात नहीं है यहाँ पे, मतलब कि इसका मतलब है एक तरह से इडियम यूज़ कर सकते हो, एक तरह से आप फ्रेज यूज़ कर सकते हो कि लॉन्ग रोड है, मतलब अभी बहुत रास्ता तय करना है। मतलब हिंदी में बोलते हैं ना कि अब दिल्ली दूर नहीं है ना, वही है लॉन्ग रोड अहेड। ये किसके बारे में? अभी आपको पता है कि 2 दिन पहले मैंने आर्टिकल पहले भी डिस्कस कर लिया था शायद कल वाले में, कि आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया की 40% अबाउट टू 40% पॉपुलेशन को कवर करने वाली है, एंड दैट इज़ अबाउट टू 50 करोड़ पर्संस हैं। ठीक है, और यदि एक फैमिली के अंदर अपन 5 भी एवरेज पर्सन मानते हैं, 5 5, तो 10 करोड़ फैमिली होगी इसके अंदर। तो 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ तो कई देशों की, कई कॉन्टिनेंट की जनसंख्या भी नहीं है, पॉपुलेशन भी नहीं है, जहाँ की यहाँ पे 40% है, और ये एक योजना इनको कवर करने वाली है। ठीक है, ठीक है, कवर करने वाली है, ये अपना उद्देश्य है, अपना ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आपको पता है कि जितनी भी आप छोटी से छोटी, मतलब कई कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आप छोटी सी योजना होती है वो भी आपकी इंप्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाती, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती उसके अंदर, क्रेडिबिलिटी नहीं होती। ठीक, लेकिन आपको पता है कि इतनी बड़ी योजना है तो कहीं ना कहीं उधर इधर की उधर होने ही वाली है। तो राइटर ने कहा कि बजटरी सपोर्ट मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड टू मेक आयुष्मान भारत ए सक्सेस। दैट मीन्स आपको जो सपोर्ट है, आप किसके बलबूते सपोर्ट देना चाहते हैं, क्योंकि आप बीमा करवाएंगे तो इसका मतलब बीमा कंपनी आपको पैसे देंगी, तो आपका जो बजटरी सपोर्ट है, ठीक है, आपको तो जो पेशेंट होगा यानी रोगी होगा, उसको तो बीमा कंपनी पैसा देगी 5 लाख रुपए एक पर फैमिली। ठीक है, लेकिन उस बीमा कंपनी को कौन पैसे देगा, उसको कौन देगा, उसको गवर्नमेंट देगी। तो उनका जो बजटरी सपोर्ट है वो मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड, उसको मजबूत किया जाना चाहिए टू मेक, क्या करने के लिए, आयुष्मान भारत एस सक्सेस। यानी आयुष्मान भारत जो है, जिसको अपन नमो केयर के नाम से भी जान रहे हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ किया है ये पूछा सकता है, तो रांची के अंदर, झारखंड की राजधानी रांची के अंदर इसको परसों ही लॉन्च किया गया है। तो इसको आयुष्मान भारत भी बोल रहे हैं, नमो केयर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोल रहे हैं, तो कई नाम हैं इसके, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप यदि सक्सेस करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल बजट का सपोर्ट सिस्टम करना पड़ेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ढंग से होना चाहिए। डॉक्टर जो आप बीमा कंपनी हैं उनको आप बिल्कुल फंडिंग करते रहिए उनको। मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि बीमा कंपनी के आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मत दीजिए। क्या बोला मैंने, 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट उनको साइन मत कीजिए, उनका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, ताकि जो कंपटीशन है उनके बीच में, किनके बीच में, बीमा कंपनीज के बीच में, शेयर जो आपके हेल्थ केयर जो होल्डर हैं उनके बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो वो अच्छा वर्क करेंगे। यानी कि जो क्वालिटी है, किसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की क्वालिटी है, वो आपकी इम्प्रूव होगी, किससे, आपका कंपटीशन बढ़ने से। और कंपटीशन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको पता है कि जैसे वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो अपन किसी दूसरे को हायर कर लेंगे। ठीक है, उसको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत नहीं है, उसको 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट दें, ये इसमें मेंशन किया गया था। ठीक है, और बाकी तो वही बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इसमें रोगों की जांच हो चुकी है अभी, और इम्प्लीमेंट चल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और इसका जो न्यूज़ आई थी वो पहले जो मध्य प्रदेश के अंदर कल एक लड़की जन्मी थी, उसको इससे फर्स्ट जो इसका जो बेनिफिशियरी होगा वो लड़की होगी। तो ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर, लेकिन कहने की बात तो यही है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो बजटरी सपोर्ट है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, एक सही निश्चित प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, और जो इसके बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग इसको चलना चाहिए। क्रेडिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि नीति आयोग अपना, उसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं, उसके अध्यक्ष PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उनको क्यों लाया गया, पंचवर्षीय योजना को क्यों खत्म किया गया, क्योंकि जो उसकी अकाउंटेबिलिटी थी 5 साल के बाद में। आप पंचवर्षीय योजना को यदि कैलकुलेट करते हो कि हमने कितना खोया कितना पाया, हाउ मैनी लॉस्ट हाउ मैनी वी फाउंड, तो आप क्या करोगे, 5 साल के बाद में तो खत्म होगी, और 7 8 साल के अंदर उसको आप कैलकुलेट करोगे, तो 8 साल का मतलब 8 साल में तो देश कहीं का कहीं पहुंच जाता है ना। तो
उसको टाइम टाइम पे आप उसको कैलकुलेट करने आप उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारा रास्ता तय करना है, अभी तक आपको उसके बारे में कोई डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपना हो गया आयुष्मान भारत के बारे में। लास्ट जो अपना स्लाइड है वो ओके बूस्टर का होता है एज यूजुअल, ठीक है। इसके अंदर मैं वो वर्ड यूज़ करता हूँ जो फिलहाल जो आज के न्यूज़पेपर में आए हैं या फिर करंट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वर्ड्स को अभी मतलब आउट कर दिया गया है। मतलब आउट का मतलब आपको मैंने कल बताया था, आउट का मतलब होता है कि स्थान रिप्लेस करना, ठीक है। तो पुराने वर्ड आते थे उनको नए वर्ड्स ने रिप्लेस कर दिया, तो आप इन नए वर्ड्स को ध्यान में रखें जो फिलहाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड हैं, जैसे पहला वर्ड है दो, इसका प्रोनाउंसिएशन ढंग से देख लेना, TH AW स्पेलिंग है, लेकिन इसको बोलते क्या है, दाओ दाओ, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप किसी, मान लो आपके पास बर्फ थी वो पिघल रही है, तो वो दाओ हो रही है, बिकम सॉफ्ट और लिक्विड, मेल्ट यानी पिघलना, डिजोल्व का मतलब भी पिघलना होता है, ठीक है। तो दो का मतलब क्या हो गया, कोई मिश्रण होता है, कोई गलन मिश्रण होता है, आपके पास मिक्सचर होता है, उसको आप क्या बोल देंगे, दो बोलेंगे, जो आपका डिजोल्व हो गया है और आपका लिक्विड हो गया है, सॉफ्ट हो गया, कहने मतलब उसको दो बोलेंगे, ठीक है। प्रौढ़, नेक्स्ट वर्ड इज प्रौढ़, PROD, ठीक है, नया वर्ड है। तो इसका मतलब होता है एक तरह से आपको थोड़ा सा उकसाना, थोड़ा नेगेटिव वर्ड में भी है, थोड़ा इसकी टोन क्या है, इसकी टोन थोड़ी नेगेटिव भी है, थोड़ी पॉजिटिव भी है, मतलब पुश जेंटली, आपको धक्का देता धीरे से। नज का मतलब भी अंगुली करना होता है, जो भी बिल्कुल सही है, जैसे नज अभी आया था अपने आर्टिकल के अंदर भी। एगोन, एगोन आपकी फ्रेज है जो मैंने इसलिए इंक्लूड करी है ताकि आपको एक फ्रेज भी याद हो जाए। एगोन का मतलब होता है उकसाना, ठीक है, उकसाना, आपको कोई एगोन करता है उकसाता है। इनसाइड का मतलब उकसाना होता है। स्पर का मतलब क्या होता है, स्पर का मतलब कोई भूचाल सा आना, आपको कोई अंदर से कोई फीलिंग आना, मतलब आपके अंदर कोई एक्साइटेडनेस आना, इनसाइट होना, आप वही होता है स्पर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज राइफ, RIFE, राइफ, ठीक है। तो इसका है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं राइफ। आप इसे याद कर सकते हो कि अब आपको पता है बिहार में सबसे ज़्यादा चावल होते हैं, धान होता है, तो राइस, राइस बहुत ज़्यादा राइफ हो गया, मतलब राइस बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो गया। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जो कोई कमी नहीं है, आप मतलब बैग भर के घर ले जा सकते हैं, इतना हो गया, ठीक है। प्लेथोरिक, देखो वर्ड है प्लेथोरिक, ये वर्ड बना है प्लेथोरा से, PLETHORA। प्लेथोरा का मतलब होता है कि भरमार किसी चीज़ की, ठीक है। जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे पहले होता था कि जैसे सहवाग, वीरेंद्र सहवाग खेलते थे तो क्या होता था, चौकों चौकों की भरमार होती थी, ठीक है, 4 6s, ठीक है। तो प्लेथोरा होता था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा भरमार होती थी, एक के बाद एक प्रचुर मात्रा में, किसी को कमी नहीं होती थी। और एक वर्ड हो रहा है प्रीवेलेंट, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट वर्ड है ROW, रो। अब आपको पता है रो क्या होता है, रो तो पंक्ति होती है, लेकिन पंक्ति होती है वो क्या होता है, वो नाउन होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर रहा हूँ वर्ब के रूप में, रो को वर्ब के रूप में कैसे यूज करेंगे। रो का वर्ब के मीनिंग में भी होता है कि आपको पता है जैसे अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, हमेशा चलता है, तो ये एक्चुअली रो है, डिस्प्यूट है, एन एंग्री डिस्प्यूट, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो क्वारल, QUARREL, क्वारल का मतलब लड़ना झगड़ना, ठीक है। रेंगल का मतलब भी वही होता है। तो रो का मतलब क्या हो गया, एक तरह से मनमुटाव हो गया, डिस्प्यूट हो गया, मतलब कि तू तू मैं होना, वो रो का मतलब वो है, ठीक है। क्वाल का मतलब लड़ना, ठीक है। क्लैश बोल सकते हैं, क्लैश का मतलब शॉर्ट फाइटिंग हो जाती है, ठीक है। टसल बोल सकते हैं उसको, मैंने टसल पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है टर्नअप, टर्नअप आपकी क्या है, फ्रेज है, फ्रेज। टर्नअप मतलब, टर्न का मतलब मुड़ना, और अप का मतलब कि कोई चीज़ मुड़ के आपके सामने आ गई, ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, कैसे, कोई चीज़ मुड़ के आपके सामने आ गई, टर्न अप, ठीक है। तो कहने का मतलब अपीयर और बिकम विजिबल, कोई पर्सन था, आप भीड़ के अंदर जा रहे थे और आपको अचानक से कोई मिल गया, तो टर्न अप इन फ्रंट ऑफ यू, उसको आपके सामने ही आ गया, अपीयर और बिकम विजिबल। कम आउट का मतलब बिल्कुल ऐसे जा रहा था भीड़ के अंदर से, कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है, मतलब ऐसे मान लो कि आप कोई पुरानी बुक खोल रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको कोई पुरानी चीज़ मिल जाती है, तो टर्न अप हो गया आपके सामने, विजिबल हो गया आपको, अपीयर हो गया आपके सामने, ठीक है, प्रकट हो गई हिंदी के अंदर। नेक्स्ट वर्ड इज चाइड, CHIDE। चाइड का मतलब किसी को फटकारना, सेवियरली। सेंचर का मतलब निंदा करना, स्कॉल्ड का मतलब फटकारना, रिबक का मतलब फटकारना, रेप्रीमेंड का मतलब फटकारना, ठीक है। और टेक टू ए टास्क, ये आपकी मैंने idiom इंक्लूड कर दी इसके अंदर, idiom टेक टू ए टास्क, मतलब किसी को किसी काम के लिए लेके जाना, टास्क, टास्क उसको देना कि इधर वो ये काम करना है, और उसने नहीं किया तो उसको क्या पड़ेंगे, उसको जूते पड़ेंगे, तो आप उसको फटकारते हो, बिल्कुल फटकारते हो, दैट मीन चाइल्ड। चाइल्ड को ऐसे भी आ सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड है ना, चाइल्ड, चाइल्ड को आप क्या करते हैं, कोई काम गलत होता है तो उसका आप फटकारते हैं, तो आप इसको चाइल्ड को याद कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वर्ड है इंपॉर्टेंट है एडहॉक, ठीक है। इसका मीनिंग है वो बिल्कुल अलग है, इसके वर्ड से कोई पता नहीं लगेगा। तो ये हो जाता है कि आप कोई एक स्पेसिफिक केस के पीछे ही पड़े रहते हो, वही काम करना है आपको, कंसर्न विद वन स्पेसिफिक पर्पज, यानी कि आपका मोटो एक है, आपको वही काम करना है, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे एडहॉक, ठीक।
ठीक है। तो ये आज का अपना आर्टिकल था, तो होपफुली आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और कोई रिक्वायरमेंट है, कोई कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।